सो हेलो दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आ गया हूँ आपके साथ एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। दोस्तों मैं इसमें बताऊंगा बिहार बीएड के प्रैक्टिस सेट के। ये दोस्तों मेरा 8वां प्रैक्टिस सेट है और मैंने इसके पहले प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है। दोस्तों अगर आप हमारे उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख लें। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी बिहार बीएड का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और आप लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है अच्छे तरीके से और प्रिपरेशन करने की। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए थे तो आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप अच्छे से और तैयारी करें। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे तेज और सबसे फास्ट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चंस देखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चंस कह रहा है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था वो किसने किया था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, सर मार्टिन व्हीलर या रखालदास बनर्जी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज किया था रखालदास बनर्जी ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रखालदास बनर्जी। ठीक है, और अगर बात करें कब किया था तो ये 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज किया था। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। अगर हम बात करें कि अभी इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है मोहनजोदड़ो की, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित है। ठीक है, ये जो है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हड़प्पा के बारे में बता रहा है। तो हड़प्पा की खोज जो है ये किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। और ये कब किया था? तो ये 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1921 ईस्वी में किया गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और अगर इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये भी पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? जी हाँ, तो बुद्ध जो थे जो अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर श्रावस्ती में दिए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, जैन अंतिम जैन तीर्थकर गौतम बुद्ध के समसामयिक थे। दूसरा देखिए कह रहा है अंतिम जैन तीर्थकर का जन्म राजगिरी में हुआ। तीसरा कह रहा है सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ। चौथा कह रहा है प्राचीन नगर श्रावस्ती आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम जैन तीर्थकर का जन्म राजगिरी में हुआ। ये जो है ये सही नहीं है। ठीक है, अंतिम जैन तीर्थकर का जन्म राजगिरी में हुआ नहीं, राजगिर में नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में प्राचीन भारत में गणतंत्र कहाँ था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाक्य कपिलवस्तु लिच्छवी वैशाली या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए निम्न में प्राचीन भारत में गणतंत्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये शाक्य कपिलवस्तु एवं वैशाली दोनों में था। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएंगे राइट आंसर,
ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कहाँ राजतंत्र था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्न में से कहाँ राजतंत्र था, इनमें से कहाँ पे राजतंत्र था? तो कौशाम्बी में, मगध में और कौशल में। आपको याद होगा कि ये सारे जो भारत को जो है 16 महाजनपदों में बांटा गया था, ठीक है, तो ये उन्हीं जनपदों में से एक है। तो ये सब में क्या था, राजतंत्र था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में, ठीक है, इन सभी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र की किस शासन ने पहली बार जीता था? जी हाँ, तो मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र जो है किस शासन ने पहली बार जीता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में किसमें वर्णन मिलता है? जी हाँ, मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है इसमें से किसमें वर्णन मिलता है? तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य, इंडिका या मेघास्तिनी, मुद्रा राक्षस, विषाग्रत, इन सभी में। तो ये सारे जो दिए गए हैं ये बुक का नाम है, अर्थशास्त्र या चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने लिखा था, ठीक है, इंडिका पुस्तक या मेघास्तिनी ने लिखा था, मुद्रा राक्षस पुस्तक या विषाग्रत ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इन सब पुस्तक जो है ये मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर इन सभी में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महायान, ठीक है। कनिष्क जो था महायान शाखा से संबंध रखता था, अनुयायी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चरक कौन था? तो बताइए इनमें से जो है वो चरक कौन था? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चरक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि, देखिए यहाँ पे कह रहा है एक चिकित्सा कनिष्क काल, या एक ज्योतिषी चंद्रगुप्त द्वितीय काल, या एक खगोल शास्त्री समुद्रगुप्त काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, चरक जो था एक चिकित्सक, वो चिकित्सक थे, ठीक है, किसके काल के, तो कनिष्क के काल के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में जो है हरिसेन ने प्रशंसा की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इतिहासकार स्मित ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारतीय नेपोलियन कहकर पुकारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल में हुगली में प्रथम ब्रिटिश कारखाना लगाने की स्वीकृति किसने दी थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शाह शुजा ने दिया था, ठीक है। बंगाल में हुगली में प्रथम ब्रिटिश कारखाना लगाने की स्वीकृति किसने दिया था? तो शाह शुजा ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण के लिए प्रथम सुस्पष्ट कार्यवाही निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? जो प्रथम भक्ति आंदोलन हुआ था उसका आयोजन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीरा ने किया था, ठीक है। तो दोस्तों इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, तो दोस्तों अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप हमारे पिछले वीडियो को देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर रामानंद ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? तो
तो इनमें से सही कालक्रम क्या होगा? देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है वुड का एजुकेशन डिस्पैच, ठीक है। दूसरा है मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन। तीसरा है द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। चौथा है इंडियन एजुकेशन या हंटर कमीशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखिए ये जो एक क्रम में है, तो पहले हुआ था क्या हुआ था, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद वुड का एजुकेशन डिस्पैच, उसके बाद द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, उसके बाद इंडियन एजुकेशनल हंटर कमीशन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था, जी हाँ, तो उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डवार्फ के बारे में सीखेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खगोल शास्त्री, ठीक है, खगोल शास्त्री। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 27.3 दिनों में लगाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौसम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में लोहा इस्पात का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्नपुर, ठीक है, बर्नपुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा हैं, भागीरथी और अलकनंदा हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तब गंगा का निर्माण होती है, तो ये कहाँ पे मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है भारत के संविधान में, ये अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को संशोधित द्वारा जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसीलिए माना जाता है क्योंकि, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहला, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। सी नंबर कह रहा है उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है, इसीलिए गणराज्य मुख्य रूप से इसे इसीलिए माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में मानवता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है, तो बताइए कौन सा है? तो अनुच्छेद 16 से 20 में है, यह अनुच्छेद 15 से 19 में है, यह अनुच्छेद 14 से 18 में है, यह अनुच्छेद 13 से 17 में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 14 से 18 में जो है भारत संविधान में मानवता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं,
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहला कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, तीसरा सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, दिल्ली और पांडुचेरी सभाओं के निर्वाचन सदस्य। तो बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य जो होते हैं वो होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। यही लोग राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, किसके पास आती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। चलिए तो देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है विधानसभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे महानदी, कावेरी, ताप्ती और गोदावरी, इन सारी, ये देखिए महानदी भी गिरती है, कावेरी भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, ये ताप्ती जो है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था यह पटना था, ठीक है। बहावी आंदोलन यह बिहार से संबंधित है और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेदों में संपूर्ण सिंचाई निहित है यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक प्रयोग के लिए जानकारी तैयार करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एकीकृत परिपथ IC आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी का आविष्कार का जन्म हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये किसके प्रति, किसकी मूर्ति, ये किसकी प्रतिमा बनाई गई है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व, लिविंग इंटायर्ड का दर्जा देने का आदेश दिया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष था वो सच्चिदानंद सिन्हा था, ठीक है। संविधान सभा के
अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है उम्र वोट देने का जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब भारत में आपात उद्घोषणा हुआ था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो बताइए, जो संविधान के 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्य परिषद की स्थापना ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड को शेयर कीजिए। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।